अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक इंटर का तैयारी करना चाहते हैं 2022 परीक्षा के लिए फ्री में, तो आप अभय ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अभय ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री में तैयारी मैट्रिक इंटर का कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 का बार बार एक ही सवाल करते थे कि सर हम असाइनमेंट तो बना लिए हैं, लेकिन मेरा जो असाइनमेंट है वो कब तक कॉलेज के विभाग में जमा होगा। तो इसके लिए डेट को जारी कर दिया गया है। स्नातक पार्ट वन रिजल्ट BA BSc BCom का कब जारी होगा, इसका भी डेट को जारी कर दिया गया है। स्नातक पार्ट वन 20-23 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। रजिस्ट्रेशन कार्ड कब से मिलेगा आप लोग का, जो पिछले साल एडमिशन लिए BA BSc BCom में, उनका भी ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए ये सब सूचना हमको कल रात में ही आ गया था और टेलीग्राम में हम डाल दिए थे। तो टेलीग्राम VKSU वाला ऑफिशियल में जुड़ना ना भूलें। 26,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है। एग्जाम स्पेशल डिस्कशन ग्रुप है VKSU वाला स्टूडेंट हेल्प, जहां 13,500 प्लस स्टूडेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। UG में एडमिशन जो लोग इस बार 21-24 में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जिनका नंबर कम है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दे दिया गया है। इस वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और STResult.com वेबसाइट। VKSU से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए गूगल पर सर्च करें STResult.com STResult.com। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 19-22 का, उसके बाद 18-21 का बात कर लेंगे, और उसके बाद UG एडमिशन में जो कॉलेज को मान्यता मिला है उसका भी बात कर लेंगे। देखिए पार्ट वन का जो भी आपका रिजल्ट है ये 20 जुलाई को, कब 20 जुलाई तक संभावित है कि जारी कर दिया जाएगा। जुलाई का तीसरा सप्ताह का ये लोग टारगेट लिए हैं। अब रिजल्ट जारी होने पर कैसे आपको चेक करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। 20-23 का BA BSc BCom का पार्ट वन एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड कब से मिलेगा, पूरा डिटेल्स में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आदा का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमेशा की तरह गूगल पर सर्च करना है STResult.com STResult.com, और यहां से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट STResult.com को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं STResult.com ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का। यहां पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी के नीचे जाइएगा यूनिवर्सिटी अपडेट, यहां से सारा यूनिवर्सिटी VKSU का अपडेट मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। देखिए फर्स्ट पेज पर अगर आपको कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बहुत लेट अपडेट हो गया, तो नीचे चला जाता है, क्योंकि जो नया नया अपडेट आता है वो ऊपर रहता है। तो उसके लिए यहां पर नीचे आएगा, तो यहां से आप पेज नंबर 2 पर जा सकते हैं, पेज नंबर 3 पर जा सकते हैं। देख सकते हैं 16 पेज तक अपडेट है, तो जो भी है अपडेट आप यहां से ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 19-22 का। देखिए फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रहा है VKSU पार्ट वन रिजल्ट 19-22, इस पर क्लिक कर देना है। ऐड को क्लोज करके जैसे ही नीचे बढ़िएगा तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये देखिए। और यहां पर देखिए जो भी आपको पेपर का आर्टिकल है यहां पर सूचना के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, और रिजल्ट जारी होते ही यहां पर आपको BCom, यहां पर BSc, यहां पर BA अलग से लिंक मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप VKSU के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 18-21 का। बैक आना है, बैक आइएगा तो देखिए 18-21 का यहां पर आपको अपडेट मिलेगा। नीचे देखिए 18-21 का जहां से आप असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड किए थे, यहां पर देखिए वेबसाइट में होता क्या है कि जो भी पोस्ट रहता है उसके बगल में यहां पर वॉलपेपर रहता है, वॉलपेपर पर पूरा डिटेल्स रहता है कि इस पोस्ट में क्या क्या जानकारी आपको डाला गया है, वॉलपेपर पर लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर आपको पार्ट टू का जैसे आप क्वेश्चन डाउनलोड किए थे, एक एक सब्जेक्ट का अलग से डाउनलोड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया था एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, उसी में देखिए नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए साफ लिख दिया गया है पार्ट टू असाइनमेंट कॉलेज में
7 जुलाई से 15 जुलाई तक जमा होगा। जो भी आपका ऑनर्स है, जो भी आपका सब्सिडरी है, जो भी आपका जनरल विषय है, कंपोजिशन विषय है, आप असाइनमेंट बनाए हैं तो संबंधित विभाग में, कॉलेज के विभाग में जाके आप 7 जुलाई से 15 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। धीरे धीरे कॉलेज अब सूचना निकालना शुरू कर देगा कि 7 से 15 जुलाई के लगभग में ये लोग जमा लेंगे। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज तो अभी भी जमा ले रहे हैं, लेकिन लगभग ऑफिशियली तौर पर अब सरकारी कॉलेज भी, और जो कॉलेज अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं ले रहा था, वो 7 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका असाइनमेंट जमा लेगा। देखिए, जिनका साइकोलॉजी ऑनर्स है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनका साइकोलॉजी ऑनर्स है, वो ऑनर्स में ग्रुप ए से एक प्रश्न और ग्रुप बी से एक प्रश्न बनाएंगे, मतलब 1+1 दो प्रश्न ऑनर्स में उनको बनाना है, सब्सिडरी में उनको एक प्रश्न बनाना है। साइकोलॉजी में थोड़ा बदलाव भी किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं, जो भी सत्र 20-23 में एडमिशन लिए थे और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए अभी तक नहीं मिला है, तो फर्स्ट पेज पर आपको दिखाई दे रहा है VKSU न्यू एडमिशन सेशन 20-23 पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पर कॉलेज का आ गया है तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं आया है तो आप लोग का 20 तारीख कब 20 जुलाई 2021 के पहले पार्ट 1 का 20-23 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपका सत्यापन होता है, वेरीफाई होता है, वेरीफाई कराने कॉलेज जाइएगा तो वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। कैसा रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, कल देर रात में वीडियो आया हुआ है, देख सकते हैं वहां पूरा डिटेल्स में 2020-23 का BA BSc BCom सत्र का वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 एग्जाम फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन नंबर का, रजिस्ट्रेशन कार्ड का। अब चलिए, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को मान्यता नहीं मिला था, लेकिन अब मान्यता दे दिया गया। इससे होगा क्या कि 21-24 में BA BSc BCom में सीट बढ़ जाएगा। पिछले साल बहुत सारे छात्र नामांकन से वंचित हो गए थे क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को मान्यता नहीं था, लेकिन अब जिनका नंबर कम है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को मान्यता दे दिया गया है। पूरा कॉलेज का लिस्ट अगर देखना चाहते हैं, जो जो कॉलेज का मान्यता मिला है, तो क्या करना है कि आपको गूगल पर सर्च करना है STRESULT.com, यहां से आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट STRESULT.com पर आ जाइएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा VKSU न्यू एडमिशन UG PG का, जहाँ से आप PG और UG का एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। देखिए यहाँ पर VKSU PG UG एडमिशन 2021 ऑनलाइन, इस पर कर देना है। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिए सबसे ऊपर में ही आपको लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही सूचना दिखाई देगा, यहाँ पर जो जो कॉलेज को मान्यता मिला है पूरा विवरण डाला गया है, पढ़ सकते हैं। STRESULT.com पर डाल दिया गया है, गूगल पर सर्च कीजिए STRESULT.com, और जहाँ से आप UG PG का एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर लिंक है, वहीं पर नीचे ये सूचना को डाल दिया गया है। टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, वहाँ भी सूचना को डाल दिया गया। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। पीजी का जो भी फॉर्म है आपका, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का, जो छात्र वंचित हो गए थे उनको भी मौका बहुत जल्द विश्वविद्यालय देगा कॉलेज में ऑफलाइन भरने का। BEd प्रथम और सेकेंड वर्ष को भी मौका मिलेगा फिर से फॉर्म भरने का, जो लोग फॉर्म से वंचित रह गए थे प्रथम और सेकेंड वर्ष का। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।